जीवन की सीख। इसकी मौत। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुँचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, जो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और तीन बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और न ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब ही जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरुवार की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मार कर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के जेहन में बैठ गई, और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा कि उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वे ही उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बुझा खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था, और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गाय और भैंस अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा कि शायद भी उसके मरने के बाद वो परिवार सब बेच बांच कर कहीं चला गया होगा, और वापस लौटने के लिए वो अपनी कार स्टार्ट करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था, शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरुवार यहाँ आए थे, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले, उससे फलों के बागीचे लगवा दिए, और ये काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय में आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर उस भैंस की मौत न हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई, तब हाथ पांव मारने पड़े, और मुझे जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरुवार के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था, और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। फ्रेंड्स, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदि हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों न हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है, और जो हमारी लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है? और अगर आपको लगे कि ऐसा है, तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए।
आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए उसे पा